अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि मैंने पिछले साल एक वीडियो चलाई थी जिसमें मैंने इविंग्स करियर इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था आपको, उसकी जो इनॉग्रेशन थी वो पिछले साल ही सितंबर में हो गई थी। उनकी जो फाउंडेशन क्लासेस के लिए क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी है आज से 3 बजे से, मतलब 3 अप्रैल 3 बजे से स्टार्ट हो चुकी है वो। अब कोई बच्चा बताएगा मैं वहां पे एनरोल क्यों करूं, राइट? तो मैं आपको ये भी बताना चाहूं, वहां पे फाउंडेशन के जो एचओडी है शफात शेरा सर, जिनके पास ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स एक्सपीरियंस है फाउंडेशन क्लासेस को पढ़ाने का डाउनटाउन में, तो वो खुद से पढ़ाने वाले हैं फाउंडेशन क्लासेस को। और अगर मैं बात करूं लैंग्वेज कोर्सेस की, लाइक इंग्लिश हो गया, तो वो आपके पास सालिहा शबीर मैम पढ़ाएंगी, जो कि एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिनोर्ड ऑथर है, तो वो आपको खुद से पढ़ाएंगी। इन्हें बहुत सारी बुक्स खुद से लिखी है, तो ये आपको पढ़ाने वाले हैं वहां पे इविंग्स करियर इंस्टीट्यूट में। अगर मैं और एक चीज की बात करूं, दिस इज द फर्स्ट कोचिंग सेंटर ऑफ कश्मीर विच इज रजिस्टर्ड फॉर ओलंपियाड्स, तो वहां पे ओलंपियाड्स के लिए भी आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। और साथ ही साथ ये 8th क्लास बच्चों से स्टार्ट करेंगे कोडिंग भी पढ़ाना, ताकि उनमें इस पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स भी डेवलप हो, बिकॉज आजकल हमें पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी बढ़ रही है अगर हम इंडिया की ही बात करें। तो उस रीजन की वजह से बच्चों को क्लास 8 से ही कोडिंग सिखाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ लीडिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम NITs, ओके? और मैं ये इंपॉर्टेंट चीज भी आपको बताना चाहूं, ये तो फाउंडेशन क्लासेस के बारे में मैंने बोल दिया आपको, तो अगर मैं बात करूं जो हमारे पास 11, 12, नीट, जेई वगैरह उसके बच्चे हैं, तो इविंग्स करियर इंस्टीट्यूट एक पहला इंस्टीट्यूट है कश्मीर में जिसने जेई रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं जेई 2023 में, वो भी विद इन अ स्पैन ऑफ 2.5 मंथ्स, बिकॉज इसकी जो इनॉग्रेशन है वो पिछले साल हुई है सितंबर में, ओके? और वहां पे आपको ऐसी फैकल्टीज मिलेंगी जो कि IIT से होंगे, NIT से होंगे और टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से। आपको वहां पे जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, एम्स वगैरह उस सब के लिए पढ़ाया जाएगा अच्छे से। और जो क्लास की स्ट्रेंथ होगी वो भी ज्यादा नहीं होगी, मतलब कम ही बच्चे होंगे क्लास में, जिसकी वजह से वन ऑन वन इंटरेक्शन बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स होंगे, मतलब जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी, तो उन बच्चों के लिए भी स्पेशल कंसिडरेशन होगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, और जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनकी क्लासेस 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, और जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनकी 1 मई से स्टार्ट हो रही है, और जो 1 ईयर नीट बैच है उनकी जो क्लासेस है वो 15 मई से स्टार्ट हो रही है, और जो 1 ईयर जेई बैच है उनकी क्लासेस 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। तो यही मुझे बताना था आपको इविंग्स करियर इंस्टीट्यूट के बारे में। तो बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है, मैं सीधे बताना चाहता हूँ, वहाँ की फैकल्टी भी बहुत ही अच्छी है, मतलब रूफीन सर है, जानते होंगे ऑब्वियसली, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सो बाकी अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर दे, शेयर करो हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन भी जरूर कर देना, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो बाकी मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।